Welcome back to our live interactive session. I Anudivan, I uh, and you are watching e Vidya channel number nine. In this session, we are going to study geography, and our topic is climate. I welcome our guest on the in the studio. Hello, ma'am. Bhavna ma'am is here with us. Hello. Bhavna ma'am is lecturer, lecturer from uh, Directorate of Education, Delhi. Hello, ma'am. A very good afternoon. Good afternoon. Uh, before we begin our session, let me just announce you about the G20 that we are proud that India assumed the G20 presidency and, in, and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed movement in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions and... For the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev kutumbukam so ma'am before we begin our session let me just also tell our students that if they have any queries they can call us on double eight double zero double four zero double five nine or they can email us their queries on dth.class9 at cit.nic.nin so ma'am the chapter for today's climate my first question comes to you is We are talking about climate, but what is the difference between climate and weather? Very good question, ma'am. Uh, actually, अभी मैं बाहर से आ रही थी बहुत गर्मी हो रही थी अगर बरसात हो जाती तो मौसम अच्छा हो जाता Means कि जो मौसम है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है अभी गर्मी है अभी थोड़ी देर में बरसात हो जाएगी मौसम ठंडा हो जाएगा शाम को मौसम ठंडा होता है रात को मौसम और ज़्यादा मौसम अलग तरह का होता है लेकिन क्लाइमेट एंड वेदर एल टूगेदर डिफरेंट है वेदर आपका होता है जो कम समय के लिए होता है लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लंबे समय की वेदर कंडीशंस का एवरेज होता है लगभग इसमें तीस से बत्तीस सालों की वेदर कंडीशंस का हम एवरेज लेते हैं अगर हम मैम सॉरी ये चल नहीं रही है हाँ मैम इसके हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे थे तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि क्लाइमेट और वेदर में दो तरह के डिफरेंस हैं क्लाइमेट आपने बताया कि अलग तरीके से होता है लेकिन वेदर मौसम जिस तरह से बारिश हो गई या तूफान आ गया तो इस 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 तरह से मतलब वेदर चेंज होता है इस चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स मैं क्योंकि मैम ने शुरुआत की है क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड कि क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है और वेदर में क्या डिफरेंस है मैम ये समझा रही हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है तो मैम शुरू करते हैं कि क्लाइमेट और वेदर ये डिफरेंस बच्चों को पता चल जाए तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसानी से बता बिल्कुल मैम वेदर जो होता है वो छोटे क्षेत्र को एंड छोटे समय की दशाएं होती हैं जो परिवर्तित होता रहता है मौसम अभी गर्म है अभी ठंडा हो गया बरसात यहाँ हो रही है थोड़ी देर पर नहीं हो रही तो छोटा क्षेत्र होता है जबकि क्लाइमेट एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और ये लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है अगर हम आ, क्लाइमेट की बात करें वेदर की बात करें या क्लाइमेट की बात करें तो दोनों को ही कुछ एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है जैसे टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर की अगर बात करें तो तापमान का जो हमारे पास मेन सोर्स है वो हमारे पास सन है अब सन है सन के कारण जैसे कि अब इस ग्लोब में भी नजर आ रहा है कि सन की रेज इक्वेटर के ऊपर स्ट्रेट पड़ती हैं लेकिन अगर हम इसको जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या पोल्स के ऊपर जाते हैं नॉर्थ वर्ड होते हैं या साउथ वर्ड होते हैं तो उनकी जो रेज है सन की रेज स्लान्टिंग होती जाती है जिसके कारण हीट कम रिसीव होती है तो जिसके कारण टेम्परेचर चेंज होता है जिसके कारण प्रेशर जोन भी पूरी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा है अब टेम्परेचर ज़्यादा को हम ऐसे कहें जब अगर हमें गर्मी लगती है तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 40 स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ भी हमें बहुत गर्मी लगती है हमें लगता है कि बहुत खुला खुलापन होना चाहिए हम आप ऑप अप नहीं कर पाते लेकिन अगर यही चीज़ सर्दियों में है तो सर्दियों में क्या होगा कि हम अगर फोर्टी स्टूडेंट्स भी हैं तो वी आर ओके विद दैट हमें उसमें परेशानी नहीं होगी तो अब टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर में जस्ट अपोजिटिव रिलेशनशिप होती है जैसे टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो प्रेशर हमेशा कम मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है प्रेशर कम मिलेगा क्योंकि हवा गर्म होकर फैलती है वहीं अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा ठंड होगी तो हवा क्या होगी सिकुड़ जाएगी और वो वहाँ पे सिंक होने लगती है जिसके कारण प्रेशर हमें ज़्यादा मिलता है तो साथ में विंड अब नेचर का एक रूल है बैलेंस जैसे भी जब भी जहाँ पर भी हाई प्रेशर हाई प्रेशर मतलब हाई क्वांटिटी एयर जैसे हर चीज़ का अपना एक वेट होता है एयर का भी अपना एक वेट होता है अगर आप खुले में हाथ को इस तरह से करके खड़े होंगे तो कुछ देर के बाद आपको हाथों में दर्द होने लगेगा क्योंकि एयर इस पर अपना वेट डालती है तो सेम अगर हम इस तरह से करेंगे तो एयर का प्रेशर तो अब हाई प्रेशर मतलब एयर की क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा है लो प्रेशर मतलब एयर की क्वांटिटी कम है तो नेचर का एक रूल है बैलेंस कि जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर ट्रांसफ़र होना है तो इसलिए विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर एरिया की तरफ फ्लो करती है नेक्स्ट हमारा इसका एलिमेंट आता है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी है कि वाटर वाटर की तीन फॉर्म होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सॉलिड सॉलिड आपकी आइस के रूप में होती है लिक्विड हमारी वाटर के रूप में होती है गैसेस फॉर्म हमारी वाटर वेपर के रूप में होती है तो जो वाटर वेपर रूप में होती है जो एयर में वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर वेपर के रूप में होता है और उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं प्रेसिपिटेशन अब वाटर में जो एयर होता है वाटर की एक एब्जॉर्बिंग एयर की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है अब गर्मियों में हमें क्या होता है बहुत प्यास लगती है हम आठ से दस गिलास पानी भी पी लेंगे तो उसके बाद भी हमें और प्यास लगती है लेकिन वही अगर हम विंटर्स की बात करें तो एक वन और टू ग्लास वाटर के बाद हम ज़्यादा नहीं पी पाते हैं तो सेम अभी क्या है एयर की भी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है अगर वाटर आ, जो आपकी एयर हॉट एयर है तो वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी लेकिन अगर कूल एयर है तो वो वाटर कम एब्ज़ॉर्ब करेगी और उसका सैचूरेशन पॉइंट जल्दी आ जाएगा सेचूरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके आगे वाटर एयर और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है तो जब एयर में सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद कंडेंसेशन होता है क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल हेल टॉम स्लीट आदि के फॉर्म में होता है तो मैम इंडिया के क्लाइमेट क्या क्या हैं इंडिया की अगर क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया की क्लाइमेट मानसूनी क्लाइमेट है मानसूनी क्लाइमेट मानसूनी क्लाइमेट की इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि ये साल में दो बार बिल्कुल अपनी कंडीशन रिवर्स कर लेती हैं सीजनल चेंज होता है कि छः महीने ये सी टू लैंड एरिया और छः महीने लैंड टू सी एरिया में ये फ्लो करती हैं इंडिया की क्लाइमेट की अगर बात करें तो मानसून के साथ साथ उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी आता है कि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है जो इंडिया के लगभग मिड में से आता है अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके नीचे जैसे हमने लिखा है टॉरेट जॉन टॉरेट जोन या फिर अगर हम ये बात करें यह आपका है टॉरेट जोन टॉरेट जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि सन की रेज यहाँ पे स्ट्रेट पड़ती है जिसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ऊपर आपका आता है टेम्परेट जोन क्योंकि सन की रेस थोड़ी सी स्लांटिंग हो जाती है तो इंडिया का हाफ पार्ट टॉरिट या फिर ट्रॉपिकल जोन में आता है और हाफ पार्ट टेम्परेट जोन में आता है अब टेम्परेट जोन का इंडिया पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हिमालय पर्वत है नॉर्थ में हिमालय माउंटेंस के कारण जो नॉर्थ से जो विंड आती हैं जो कोल्ड विंड्स हैं वो इंडिया में नहीं आ पाती इसलिए इंडिया की क्लाइमेट बेसिकली हम ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट कहते हैं इसके बाद मानसून कैसे वर्क करते हैं अगर इसमें देखेंगे तो लैंड इज़ वार्मर लैंड जो एरिया होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है अब लैंड अगर गर्मियां हैं समर्स की बात करें तो लैंड एरिया जल्दी गर्म हो गया अब गर्म हो गया तो वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा गर्मियों में प्रेशर वहाँ पर कैसा होगा अगर तापमान अधिक है तो प्रेशर वहां पर कम होगा क्योंकि एयर फैलती है वहीं अभी अगर हम सागरीय क्षेत्रों की बात करें तो वो अभी भी ठंडे बने रहते हैं अगर वो ठंडे हैं तो वहां पर प्रेशर वहाँ पे कैसा होगा हाई प्रेशर होगा तो हाई टू लो प्रेशर हमेशा मैंने अभी बात की कि विंड जो फ्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगी तो अब इसमें जो हमारी विंड जा रही है वो सी एरिया से लैंड एरिया में जा रही है क्योंकि सी एरिया से जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर लेती है जिसके कारण जब ये लैंड एरिया में जाती है तो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है इसके जस्ट अपोजिट विंटर में लैंड एरिया क्या होता है जल्दी ठंडा हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म होता है जबकि जो आपके सी एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये यहाँ से पवने अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती हैं जिसको हम लौटता हुआ मानसून रिट्रीटरिंग मानसून भी कहते हैं और क्योंकि ये आपके लैंड एरिया से सी एरिया में जाती हैं तो इसमें मॉइस्चर नहीं होता जिसके कारण ये ज़्यादा वर्षा नहीं करती लेकिन बीच में कोई भी वाटर बॉडी आ गई तो उसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर करके जो भी नियर बाई जो होता है लैंड एरिया जहाँ में थोड़ी बहुत ये वर्षा करती है उसके बाद आता है क्लाइमेट किसी भी जगह को अभी हमने इंडिया की क्लाइमेट देखी अगर किसी भी जगह की क्लाइमेट को देखें तो उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे पहला है लेटीट्यूड एल्टीट्यूड रिलीफ फीचर डिस्टेंस फ्रॉम सी तो पहले इसमें हम करते हैं लेटीट्यूड लेटीट्यूड क्या है जो हमारी अर्थ की शेप है इस ग्लोब की तरह है जियोइड शेप है जियोइड शेप क्या होती है कि जियोइड शेप आपकी होती है कि जो आपकी बीच में इक्वेटर के पास बल्ज है एंड पोल्स के पास थोड़ी सी फ्लैटन है एंड दूसरी चीज़ ये जो शेप है वो सिमेट्री में नहीं है कहीं यहाँ पर माउंटेंस है कहीं पर वैलीज है जिसके कारण ये जियोइड शेप है अब दूसरी चीज़ लैटिट्यूड की अगर बात करें तो अगर मैं ग्लोब पे अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो प्लेस को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उस को करने के लिए हमने इसको डिफरेंट लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया है लेटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन्स होती है जो हमने अर्थ में आ, पूरे नॉर्थ इक्वेटर टू नॉर्थ हमने ड्रॉ की है पैरली ड्रा की जाती हैं इक्वेटर जो कि हमारे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसके बाद अब ये लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी बताया कि लेटिट्यूड इक्वेटर के ऊपर सनस की रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं एंड उसके ऊपर जब हम नॉर्थ वर्ड या साउथ वर्ड होते हैं तो सन की रेज स्लांटिंग होती जाती है जिसके कारण हीट भी टेम्परेचर भी कम होता जाता है अगर सिर्फ हम एक फैक्टर लेटीट्यूड का ध्यान रखें तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको तीन जोन्स में बांटा है टोरेड टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन ऐसा जोन होता है जहाँ काफ़ी जहाँ खाली ठंड पड़ती है यहाँ पे ये भी कहा जाता है पोल्स पे कि छः महीने का दिन और छः महीने की रातें होती हैं मतलब अर्थ जो सन की रेज है वो इतनी ज़्यादा स्लान्ट हो जाती हैं उसके बाद आपका आता है अगर इसमें इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है ये आपकी ज़ीरो डिग्री लैटीट्यूड है और इंडिया यहाँ पे एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पे है तो एट डिग्री अर्थात यहाँ से इंडिया टॉरेट जोन में ही है इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग मिडिल में जा रही है तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो हमारी ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है सेकेंड हमारा फैक्टर आता है एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या होता है हाइट लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग तो है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए एंड इक्वेटर uh, से जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड हो रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट या वेदर को अफेक्ट करते हैं उसमें एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब हाइट किसी भी प्लेस की हाइट अबव द ग्राउंड और अबव द सी लेवल कितनी है जैसे अगर हम यहाँ बात करें इस मैप में दिल्ली की हाइट एल्टीट्यूड 239 मीटर फ्रॉम सी लेवल है जबकि दार्जिलिंग का एल्टीट्यूड 2045 मीटर फ्रॉम सी लेवल है अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है नॉर्मली ये 165 मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो अब आप खुद ही देखेंगे कि दहली का एल्टीट्यूड बहुत कम है जिसके कारण यहाँ बहुत गर्मी मतलब एक एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलती है बहुत ज़्यादा गर्मी एंड बहुत ज़्यादा सर्दी जबकि दार्जिलिंग का एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण लगभग सेम लेटीट्यूड पर होने के बाद भी दोनों की जो क्लाइमेट है दोनों के जो वेदर है उसमें बहुत फ़र्क मिलता है तो ये मेनली uh, एल्टीट्यूड के कारण होता है थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट फीचर आता है रिलीफ फीचर अब रिलीफ कैसा है जैसे मैंने बताया कि भारत की जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्यों क्योंकि उसमें हिमालय पर्वत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हिमालय पर्वत ना होता तो भारत शायद एक ठंडा मरुस्थल होता क्योंकि उत्तर से जो ठंडी पवने आती वो भारत में आती और साथ में जो साउथ से साउथ वेस्ट मानसून पवने आ रही हैं उसको रोकने के लिए कोई भी बैरियर नहीं होता जिसके कारण वो पवने सीधी निकल जाती और भारत एक मरुस्थल के रूप में हमें मिलता अब इसमें अब ये देखिए जो माउंटेन एरिया है इसमें माउंटेन में जब कोई भी विंड आती है तो विंड आएगी तो जो विंडवर्ड साइड है विंड उसके साथ साथ चढ़ना शुरू कर देती है जब विंड ऊपर उसके साथ चढ़ती है तो ऊपर चढ़ने पर एल्टीट्यूड का इफेक्ट आ गया टेम्परेचर डिक्रीज होता है डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ एयर का सेचुरेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है सेचुरेशन पॉइंट आया क्लाउड्स फॉर्म हुए एंड प्रेसिपिटेशन होता है लेकिन इसी के अपोजिट जब एयर माउंटेन के दूसरी साइड जाती है लीवर साइड पे जाती है, तो क्या होता है कि माउंट एयर उसके साथ साथ नीचे उतरने लगती है जब नीचे उतर रही है तो क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका सेचुरेशन पॉइंट भी नहीं आएगा जिसके कारण वहां वर्षा नहीं होती और वो रेन शेडो एरिया बन जाता है अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न घाट पर वेस्टर्न घाट के कारण जो साउथ वेस्ट हमारी मानसून पवनें आती हैं यहाँ पर काफ़ी वर्षा करती हैं लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो उसके ईस्टर्न साइड है वहाँ पे तेलंगाना रायलसीमा मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के जो प्रदेश हैं ये रेन शेडो एरिया में आते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी जो भी प्लेसेस सी के करीब होंगे पास होंगे वहाँ पर क्या होगा सी का इफ़ेक्ट आएगा जो हमने अभी पढ़ा था मानसून कैसे काम करता है जब हमने ये देखा था कि सी एरिया क्या होता है जल्दी गर्म जो लैंड है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाते हैं जबकि सी एरिया में क्या होता है उसे गर्म होने में और ठंडा होने, होने में समय लगता है जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर वर्षा होती रहती है अब अगर हम भारत की बात करें तो एक आ, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो सदरन पार्ट है भारत का टोरिड जोन में आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है अर्थात भारत में बहुत गर्मी पड़नी चाहिए लेकिन कोस्टल इफ़ेक्ट होने के कारण वहाँ पर हमेशा कभी भी वर्षा हो जाती है प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसके कारण कभी भी वहाँ पे वर्षा हो जाती है मुंबई में या फिर सदरन इंडिया की किसी भी पार्ट में आप जाएंगे तो कभी वहाँ पे आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को नहीं मिलती ये मेनली सी का इफेक्ट है इसके जस्ट अपोजिट अगर हम दिल्ली की बात करें हम यहाँ पर हरियाणा पंजाब इन स्टेट्स की बात करें तो ये क्या है ये टेम्परेट जोन में सिचुएटेड है उसके बाद भी यहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट मिल जाती है क्यों क्योंकि यहां पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है क्यों क्योंकि सी एरिया से बहुत दूर स्थित है नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका प्रेशर एंड विंड अभी हमने प्रेशर जब मैंने आ, क्लाइमेट के एलिमेंट्स की बात की थी तो वहाँ मैंने प्रेशर बताया था कि प्रेशर कंडीशंस किस प्रकार से टेम्परेचर के चेंज होने पर टेम्परेचर के डिफरेंट होने पर प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होती है अब अर्थ पे अगर हम देखें तो पूरे अर्थ पे हालांकि प्रेशर छोटे छोटे एरियाज़ पे भी जैसे हमने लैंड एंड सी ब्रिज का देखा वहाँ पे प्रेशर कुछ समय के लिए क्रिएट होता है एंड फिर ख़त्म हो जाता है लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे जैसे इक्वेटर पे हम मानते हैं कि सन की रेज स्ट्रेट पड़ती हैं स्ट्रेट पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और इससे नॉर्थवर्ड जाते हैं जब हम पोल्स पे जाएंगे तो जो रेज़ है बहुत ज़्यादा स्लान्टिंग हो गई है जिसके कारण यहाँ पर कम मतलब जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है तो प्रेशर कंडीशंस यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है तो यहाँ पर कुछ ऐसी विंड्स का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है जो कि इन प्रेशर बेल्ट में कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है जिन्हें हम परमानेंट विंड्स कहते हैं तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत मेनली हमारा इक्वेटर एंड टॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ़ कैंसर इंडिया को लगभग टू पार्ट्स में डिवाइड करती है तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इंडिया में बहती है और नीचे जो इक्वेटर के नीचे है वो साउथ ईस्टरली विंड्स सा आती हैं अब ये जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स सा आती हैं ये अब एक चीज़ और भी आती है कि 21 मार्च को सन की रेज इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट होती है लेकिन जैसे जैसे सन नॉर्थवर्ड होता है आ, समर्स में 22 जून के पास सन ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट उसकी लाइंस जो रेज होती हैं तो आ, सन नॉर्थवर्ड होता है जिसके कारण ये जो आपकी इक्वेटोरियल बेल्ट है जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं वो भी नॉर्थ में आ जाती हैं वो भी लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उससे ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री लेटीट्यूड्स तक हमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है बिल्कुल आज मैम हमने काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी प्रेशर के बारे में विंड के बारे में क्लाइमेट चेंज के बारे में और हम उम्मीद करते हैं हमारे लिसनर्स ने जो है सभी नोट्स को नोट डाउन कर लिया होगा और इसकी रिविजन जरूर करेंगे मैम आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू मैम Students, important information, NCRT textbooks are available for this session, current session throughout the country. You can purchase them from NCRT sales counter uh, at Delhi, Guwahati, Ahmedabad, Kolkata and New Delhi. These sales counters will be functional on all working days including the gazetted holidays and saturdays and sundays from 9.30 a.m to 6 p.m you may also place order online from ncert website that website is ncertbooks.ncert.gov.in and this, these books will be delivered at your doorstep free of cost and if you want the soft copy in the pdf you can download them from ncert diksha and e website and mobile app Please visit the website ncert.nic.in to know more about authorized vendors. Please do not go anywhere, we will be right back soon.